नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की। पूर्वांचल की राजनीति में दमदार ब्राह्मण चेहरा और कद्दावर नेता हरिशंकर तिवारी ने अपने परिवार के साथ अब समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया है। हरिशंकर तिवारी और उनका परिवार लखनऊ में पूर्व सीएम अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ। गौरतलब है कि तिवारी को और उनके परिवार को कुछ दिन पहले ही मायावती ने बीएसपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तभी से उनके और उनके परिवार के सपा में शामिल होने की चर्चाएं चल रही थी। इस परिवार के सपा में शामिल होने के साथ ही सपा की कमी भी पूरी हो गई है। दरअसल यहां समाजवादी पार्टी को भी एक मजबूत ब्राह्मण चेहरे की तलाश थी। लखनऊ में सपा पार्टी कार्यालय में इस दौरान मौजूद अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों में भेदभाव बरता गया है, राज्य सरकार ने जाति और धर्म के आधार पर काम किए हैं, सूबे में बीजेपी लोगों को डरा धमका कर और उनका दमन करके शासन कर रही है। इधर हरिशंकर तिवारी के परिवार के सपा में शामिल होने से पूर्व सीएम अखिलेश यादव काफी उत्साहित नजर आए। अखिलेश ने कहा कि प्रतिष्ठित परिवारों के पार्टी से जुड़ने से पार्टी काफी मजबूत होगी। अखिलेश ने यह भी कहा कि आज प्रदेश में सपा के मुकाबले कोई पार्टी नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब 2022 में उत्तर प्रदेश में सपा की ही सरकार बनेगी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।